Good morning, dear students. Today we are going to continue our physics chapter motion, and in motion we will discuss about distance and displacement. Distance and displacement. First of all, I will define distance. What is distance? Distance is the length of actual path traveled by an object. Length of actual path traveled by an object. For example, कोई बॉय है, वो ए पोजीशन पे है, ठीक है. ए इनिशियल पोजीशन है उसकी. इनिशियली वो ए से स्टार्ट कर रहा है और ए से वो बी पे जाता है. एंड लेट अस कंसीडर द लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज 5 मीटर. क्लियर. बी पे जाने के बाद वो सी पे जाता है. एंड द लेंथ बिटवीन बी टू सी इज 4 मीटर. क्लियर. इनिशियली बॉय ए पोजीशन पे था, ए टू बी मूव किया. बी पे जाने के बाद बी टू सी मूव किया. ए टू बी लेंथ 5 मीटर, बी टू सी लेंथ 4 मीटर. और डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यानी कि एक्चुअल में कितना पाथ उसने ट्रैवल किया है वो उसकी डिस्टेंस है. एक्चुअली कितने ट्रैवल किया है? ए टू बी मूव किया, बी टू सी मूव किया. तो एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय बॉय कितना आ गया बच्चे? ए बी प्लस बी सी, दैट इज 5 + 4 इज इक्वल टू 9 मीटर. ठीक है बच्चे. अगर डिस्टेंस आ जाए उस बॉय की तो कितना आ जाएगा? 5 + 4 9 मीटर. जितना भी एक्चुअल में पाथ ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने वो उसकी डिस्टेंस है. नाउ